महिलाओं को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की राय साफ है और मंशा भी, तभी तो सरकार लगातार देश के विकास के लिए महिलाओं के विकास में भी लगी है। नरेंद्र मोदी जब सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे तब भी वुमेन्स डे को लेकर बोला था और अब राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भी बोला। पहले आपको लोकसभा में बोले मोदी के स्पीच का वुमेन्स डे वाला हिस्सा दिखाते हैं। मेरा एक सुझाव है, आपने 5 और 6 के तो एक अच्छा कार्यक्रम की रचना की है, इस बार 8 मार्च को हमारा सदन चलता होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस समय का 8 मार्च का जो एजेंडा है वही रहे, लेकिन हम तय कर सकते हैं क्या कि 8 मार्च को सिर्फ हमारे वीमेन मेंबर ही बोलेंगे? हम हमारी संसदीय गतिविधि उसी प्रकार से उसी प्रकार से हम बहुत समय, हमारे समय ऐसा था, आपके समय ऐसा है, आप ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये हम करते रहते हैं और देश को अब हमारे विषय में पूरा पता है, इसलिए देश को कोई तकलीफ नहीं। हम सब कौन हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या सोचते हैं, देश पूरी तरह जानता है। लेकिन क्या मैं सभी वरिष्ठ महानुभाव से मार्गदर्शन चाहूँगा कि क्या हम वर्ष में 2 सत्र के समय या 1 सत्र तय करें, उस पूरे सत्र के दरमियान 1 वीक ऐसा हो कि जिस वीक में सिर्फ जो फर्स्ट टाइमर एमपी है उन्हीं को बोलने के लिए निमंत्रित किया जाए। हम इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं, लेकिन हमें एक ताजगी भरी हवा इस सदन में विचारों की आवश्यकता मुझे महसूस होती है और मुझे भरोसा है। मैं जानता हूं जिस प्रकार से आपके कार्यक्रम में ये जो नए एमपी रुचि ले रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि उनको अवसर देना चाहिए। वे देश के लिए बहुत सी चीजें नई हमारे सामने रख सकते हैं, उस पर हम कुछ कर सकते हैं। ये तो लोकसभा में मोदी की महिला सांसदों को लेकर राय थी। अब आपको राष्ट्रीय महिला दिवस पर मोदी के महिला सशक्तिकरण की बात को बताते हैं। यहां पर सुषमा जी के कोट का उल्लेख हुआ, लेकिन मैं उसे महिला और पुरुष के संदर्भ में नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात सही है कि ये जो महिला सशक्तिकरण ये मनोवैज्ञानिक अवस्था को बदलने की आवश्यकता मुझे लगती है। सशक्तिकरण उनका होता है जिनका सशक्त नहीं है, लेकिन जो इन सशक्त है उनका सशक्तिकरण कौन करेगा? और ये बात मेरे गले नहीं उतरती कि पुरुष होते कौन हैं जो सशक्त करेंगे। लेकिन आवश्यक ये है कि हम स्वयं को पहचानें, हम अपनी शक्तियों को तब तक नहीं पहचानते हैं जब तक हमें चुनौतियों से जूझने का अवसर नहीं आता है। जितने भी प्रकार के समाज जीवन के सर्वे होते हैं उसमें एक बात आती है, अगर पत्नी का स्वर्गवास हो गया और पुरुष अकेला परिवार चलाता है तो न लंबा समय परिवार चला सकता है, न लंबे समय वो जीवित रह सकता है।
और अगर पुरुष नहीं रहा और महिला को परिवार चलाने की जिम्मेवारी आ गई तो सारे सर्वे कहते हैं कि वह लंबे अरसे तक जीवित भी रहती हैं और परिवार का लालन पालन उत्तम तरीके से करके दिखाती है। ये उस बात का सबूत है कि इनहेरेंट जो सामर्थ्य और शक्ति ईश्वर प्रदत्त आप लोगों को है, महिलाओं को है, जिसको पहचानना स्वयं में बहुत आवश्यक है। आजकल मैनेजमेंट की दुनिया में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, मल्टी स्टार एक्टिविटी। ये मल्टी टास्क एक्टिविटी दुनिया के कई देशों में जो व्यक्तित्व का ग्रोथ हुआ है वो एक सिंगल टनल एक्टिविटी का होता है। अगर उसमें वो चलता रहा तो आगे बढ़ता जाता है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उस टनल में कहीं रुकावट आ गई या कहीं और रास्ते पे जाने की नौबत आई तो नहीं कर पाता है। अगर डेली उसको लिफ्ट से जाने की आदत है, दसवीं मंजिल पे बैठा है और अचानक बिजली चली जाए तो स्टेयरकेस से कैसे नीचे उतरना उसको घंटा लग जाता है, क्या करूं, ऐसे लोग होते हैं। मल्टी टास्क एक्टिविटी आज मैनेजरियल वर्ल्ड में एक मल्टी टास्क एक्टिविटी में इनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। वो एफएम पर गाने भी सुनती हो, विशिष्ट शक्ति के रूप में माना जाता है। लेकिन हमारे देश में महिलाओं की ओर देखिए, करती हो और पकाती भी होगी, बच्चे को भी सूचना देती होगी, यानी कभी कभी हम थोड़ा डिसेक्शन करके चीज को देखें तो अंदाज आता है कि क्या सामर्थ्य दिया है, क्या शक्ति दी है, क्या हम इस शक्ति का गौरव करना जानते हैं, इस सामर्थ्य को पहचानते हैं। और ये भी देखिए, उसकी सफलता का आंक बहुत ऊंचा है। आप पिछले जहां जहां महिला को अवसर मिला है, ये कौन फॉरेन मिनिस्टर थे देश के, नाम ही याद नहीं आएगा, लेकिन आज सुषमा जी तुरंत याद आती है आपको। सामर्थ्य हम अनुभव करते हैं। हमारे पार्लियामेंट में कई स्पीकर आए, लेकिन जितने महिला स्पीकर आए हर एक को ध्यान रहा होगा कि मीरा कुमार थे, सुमित्रा जी है। आजकल राज्यों में भी बहुत बड़ी मात्रा में महिला स्पीकर रोल कर रही हैं। जहां जहां उनको अवसर मिला, अगर मैं नहीं जानता हूं किसी ने सर्वे किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर सर्वे करें तो शायद पुरुषों को मिले हुए अवसर उनका सक्सेस रेशियो एंड महिलाओं को मिला अवसर उनका सक्सेस रेशियो, मैं विश्वास से कहता हूं महिलाओं का ऊपर गया होगा। इसका मतलब यह है कि सामर्थ्य है। हमारे देश में ये पहली सरकार ऐसी है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में महिला मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि मेरा कन्विक्शन है कि उनको अगर अवसर मिले तो वो बहुत उत्तम परिणाम दे सकते हैं, और आज हम अनुभव भी कर रहे हैं कि परिणाम देते हैं। आप लोगों ने शायद पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में अफ्रीका का एक छोटा सा देश रवांडा, उसकी घटना शायद आपके कान पर अगर आई हो, वहाँ एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, लाखों की तादाद में लोग मारे गए और ज़्यादातर पुरुष मारे गए। बाद में महिलाओं ने देश की कमान संभाली और हिम्मत के साथ वो मैदान में आई। आज उनके लोअर हाउस में करीब 65% वीमेन रिप्रेजेंटेटिव है,
और इतनी भयंकर आपत्ति से निकले हुए देश को महिलाओं ने लीडरशिप दी और महिलाओं ने देश को बाहर निकाला। आज रवांडा अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत खड़ा हो गया। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी जिनको अवसर मिला उन्होंने कितना बड़ा परिवर्तन किया है, कितना बड़ा परिणाम लाया है। और इसलिए लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते हम सशक्त हो कि हम राष्ट्र को सशक्त बनाने में कोई एक्स्ट्रा भूमिका अदा कर सकते हैं क्या? राष्ट्र को सशक्त बनाने में बजट काम नहीं आता है, राष्ट्र को सशक्त बनाने में रोड, रास्ते, पोर्ट, एयरपोर्ट, बिल्डिंग, भवन, इमारतें ये काम नहीं आती है। राष्ट्र को सशक्त बनाता है राष्ट्र का जन जन, राष्ट्र को सशक्त बनाता है, राष्ट्र को सशक्त बनाता है राष्ट्र का नागरिक। और नागरिक को अगर कोई सशक्त बनाता है, उसको अगर सामर्थ्यवान बनाता है, उसको अगर चरित्रवान बनाता है तो माँ बनाती है। उससे बड़ा राष्ट्र का निर्माण और कोई नहीं कर सकता, उससे बड़ा राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का सशक्तिकरण कोई नहीं कर सकता जो सदियों से माताएं बहनें करती आई है। पीढ़ियों तक उत्तम रत्नों को देकर के समाज जीवन का सशक्तिकरण का सबसे मूलभूत काम आप ही के तो द्वारा हुआ है। लेकिन जो हुआ है उसका अगर गर्व नहीं होगा, हम ही एक इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे, हम ही सोचेंगे कि नहीं उन लोगों का ज्यादा अच्छा है, तब तो मैं नहीं मानता हूं कि ये आगे बढ़ने का जो आपका इरादा है उसको पार करने में कोई मदद रूप होगा। हम स्वयं ही इतने सामर्थ्यवान हैं इसका एहसास करें, और ये मेरे कहने के कारण है नहीं, आप हैं। कभी कभार नारी के दो रूप, घर में अगर चूल्हे पर खाना पका रही हैं, चपाती बना रही हैं और चपाती बनाते बनाते शायद उसमें से थोड़ी भाप निकल गई, स्टीम निकल आई और उसकी उंगली जल गई, तो ऐसे भूखा, लेकिन वो उसका फिर ध्यान खाने में नहीं रहता, पकाने में नहीं रहता है, वो पतिदेव के आने का इंतजार करती है। तीन बार खिड़की में जाके देखेगी कहीं आए तो नहीं,